एवरीबडी, वेरी वॉर्म वेलकम टू माई चैनल। आई रियली होप कि सब लोग एकदम ठीक हैं। और आज के सेशन में हम लोग तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर बात करेंगे। वीडियो बहुत छोटा रहने वाला है ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम भी ना लगे और आपको सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाए। तो आज हम तीन पैरामीटर्स के ऊपर बात करेंगे, विच इज नंबर वन, आंसर की कब आएगी सीयूईटी की, जो उन्होंने बोला था कि आंसर की वो लोग सीयूईटी जो है दैट इज गोइंग टू रिलीज दी आंसर की, एनटीए आंसर की कब रिलीज करेगा उसके बारे में आज बात करेंगे। सीएसएएस पोर्टल, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल खुलने वाला है जिसके अंदर आपको रजिस्टर करना है, वो कब तक आ जाएगा, व्हेन अंटिल व्हेन इट इज गोइंग टू गेट रिलीज्ड, एंड साथ ही साथ सीयूईटी के रिजल्ट्स कब डिक्लेयर होंगे, इन तीनों चीजों के ऊपर आज हम लोग जो है बात करेंगे। दीज आर गोइंग टू बी द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। एंड यार आप समझ लो, आज 7 तारीख है, 7 सितंबर से लेके 15 सितंबर बहुत क्रूशल रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो व्हाट यू हैव टू डू इज आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए मैं आप लोगों को डेफिनेटली बता दूं। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज शुरू करते हैं, सबसे पहले आंसर की कब डिक्लेयर होगी। देखो बहुत सारी स्पेक्यूलेशंस थी, बहुत सारे लोग जो है ना वो कल रात को, मुझे 6 सितंबर बोल रहे थे कि रात को 9 बजे आंसर की रिलीज होगी। तो मुझे लग रहा था कि यार ये थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है कि रात को 9 बजे आंसर की रिलीज होगी कि नहीं होगी, तो मैंने उस पर कोई वीडियो नहीं बनाया। लेकिन जो है ये बात बिल्कुल सच थी कि कल आंसर की रिलीज होनी थी, बट ड्यू टू नीट यूजी 2022 के रिजल्ट्स, नीट यूजी 2022 के रिजल्ट्स की वजह से आंसर की कल रिलीज नहीं हो पाई। ठीक है, कल रिलीज नहीं हो पाई, डिले हो गई बिकॉज ऑफ द नीट यूजी 2022 एग्जाम्स। एंड ये एक बहुत ये ट्वीट किया है मानिश प्रातिम जी ने, और इन्होंने बोला है कि आंसर की जो है भैया दैट हैज बीन डिलेड। ठीक है, आंसर की डिले हो गई है और डिलेड ड्यू टू नीट यूजी 2022 रिजल्ट प्रेपरेशन, एंड सीयूईटी आंसर की रिलीज करी जाएगी लेटर इन द डेट टुमारो, मतलब 7 सितंबर। ये उन्होंने कल ट्वीट डाला था, 7 सितंबर जो है आंसर की विल बी रिलीज पोस्ट नीट यूजी रिजल्ट, मतलब पहले नीट यूजी के रिजल्ट आएंगे, नीट यूजी 2022 के रिजल्ट आएंगे आज, और उसके बाद नीट यूजी 2022 के रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के बाद आप लोगों की आंसर की रिलीज हो जाएगी। प्लीज मेक श्योर कि आप लोग उसको ढंग से चेकआउट कर रहे हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में आंसर की आएगी, उसको आप लोग जो है चेकआउट कर लीजिएगा। जैसे ही आंसर की आएगी मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। तो भैया ये डेट्स तो हमारी हमें पता चल गई है, विच इज बेसिकली कि जो आंसर की है दैट इज गोइंग टू रिलीज टूडे, आज के दिन ये आंसर की रिलीज होने वाली है, दैट इज योर 7th of September 2022। सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग इसको चेकआउट करें, और आज ही जो बच्चे नीट यूजी के एस्पिरेंट्स हैं, नीट यूजी 2022 का रिजल्ट भी आज ही डिक्लेयर होगा। ठीक है, तो ये प्लीज मेक श्योर कि आप लोग इसको चेकआउट कर रहे हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में आंसर की आएगी, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और अब बात करते हैं सीएसएएस पोर्टल, जो तुम्हारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, डीयू एडमिशंस का पोर्टल खुलने वाला था जिसके अंदर आपको एडमिशन करना है। तो भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है, इट्स वेरी मच प्रिडिक्टेड कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल है दैट इज गोइंग टू गेट लॉन्च्ड आइदर टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, मोस्ट प्रोबेबली जो है डे आफ्टर टुमारो, विच इज योर 9th of September आप लोगों का CSAS का जो पोर्टल है वो रिलीज हो जाएगा। कैसे मैं आपको अभी बताती हूँ, जरा देख लीजिए, यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल है, उसको आप लोग प्लीज चेकआउट कीजिएगा। ये न्यूज आर्टिकल आई थिंक कल आया है, 6th of September ट्यूजडे को ये न्यूज आर्टिकल आया, अगर आप लोग इसको ध्यान से देख पा रहे हैं तो इस न्यूज आर्टिकल के अंदर इफ यू पीपल चेक आउट, तो इस पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल में डीयू एडमिशन 2022, यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस ने ये बताया है कि जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो आप जो बच्चे हो जिन्होंने सीयूईटी 2022 दिया है, आपका कॉलेज एकेडमिक ईयर कब से स्टार्ट हो जाएगा, सो दे हैव टोल्ड कि जो न्यू एकेडमिक ईयर है दैट इज गोइंग टू बिगिन फ्रॉम October 20। ठीक है, और इन्होंने ये बताया, देखिए प्लीज यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दिल्ली एडमिशंस 2022, दिल्ली यूनिवर्सिटी इज लाइकली टू लॉन्च द कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम पोर्टल बाय 9th of September। सीएसएएस का पोर्टल 9th of September रिलीज करने की बात करी गई है।
ठीक है जी। एंड स्टूडेंट्स हैव टू रजिस्टर, और स्टूडेंट्स को अपना रजिस्टर मैं आपको बता दूंगी कैसे रजिस्टर करना है, डू नॉट हैव टू वरी एट ऑल। स्टूडेंट्स को कैसे रजिस्टर करना है वो मैं आपको बता दूंगी, बट 9th of September रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो रिलीज हो जाएगा, CSAS का रजिस्ट्रेशन पोर्टल। उसमें आपको वन टाइम नॉन रिफंडेबल पेमेंट देनी है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एट द स्टेज ऑफ एप्लीकेशन आपको वन टाइम नॉन रिफंडेबल पेमेंट देनी होगी। जो आपने CUET में पेमेंट दी है वो अलग है, ये अलग पेमेंट है जो आप लोगों को देनी होगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि CSAS का जो पोर्टल है दैट इज गोइंग टू रिलीज, CSAS का पोर्टल कब रिलीज होगा बच्चा बारी, CSAS का जो पोर्टल है वो रिलीज किया जाएगा 9th of September 2022। आंसर की कब रिलीज होगी, आज आंसर की रिलीज होगी विच इज योर 7th of September, एंड नीट यूजी का रिजल्ट भी आज ही रिलीज होगा विच इज 7th of September। अब CUET के रिजल्ट्स कब डिक्लेयर होंगे, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, CUET के रिजल्ट्स को कब डिक्लेयर किया जाएगा। तो अगर हम CUET के रिजल्ट्स की बात करें तो उसके बारे में भी इसी आर्टिकल में काफी अच्छी तरीके से मेंशन है। यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ पे एक सीनियर ऑफिशियल ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीनियर ऑफिशियल, NTA की सीनियर ऑफिशियल ने ये बात बताई है कि जो CUET UG के रिजल्ट्स हैं दे आर वी आर एक्सपेक्टिंग इट बिटवीन 10 September to 15 September। तो भैया जब ये टेंटेटिव डेट्स देते हैं ना 10 September to 15 September, तो मोस्ट लाइकली यही होता है कि ये एंड ऑफ द टेंटेटिव डेट को ही रिजल्ट्स डिक्लेयर करें। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि ये लोग 15 September, 14 या 15 September या 13 September मैक्स टू मैक्स जो है दे आर गोइंग टू रिलीज द रिजल्ट्स। आप 15 September ही मान के चलिए कि ये लोग CUET का रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर देंगे, और उसके बाद फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग यू गाइस कैन गो फॉरवर्ड विद दैट। ठीक है जी। सो आप लोग प्लीज इसको याद रखिएगा, 15th of September यहाँ पे हम इसकी टेंटेटिव डेट जो है वो लिख देते हैं, और ये डेट्स आप लोग याद रख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। एंड ये सारी डेट्स जो हैं आप लोगों को बहुत जरूरी है याद रखना। आंसर की कब रिलीज होगी, आंसर की आज रिलीज होगी, CSAS का पोर्टल कब आएगा, और CUET के रिजल्ट्स कब होंगे डिक्लेयर। सो आई रियली होप दैट यू गॉट एम्पल नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर जस्ट वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू एनी थिंग डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल बी मोर देन हैप्पी रिजॉल्विंग दैट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, एंड कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा अगर कोई भी डाउट है तो। बाय बाय, थैंक यू सो मच।